हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, दिस इज इराम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखकर पढ़ ही लिया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मंगा लिया है मैंने एक रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या क्या है इस डिब्बे में। उससे पहले गाइस, आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा था सैमसंग का M31, उसको लगभग एक महीना ही हुआ है और मैंने ये दूसरा मोबाइल क्यों परचेज कर लिया। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा सैमसंग वाला मोबाइल मेरे एक फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो मैंने वो मोबाइल उस फ्रेंड को दिया। हाँ, वो बात अलग है गाइस, बाद में मैंने उसे 15,000 रुपये ले लिए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, टॉपिक पर वापस आते हैं और करते हैं फिलहाल इस मोबाइल की बात। गाइस, जब मैं अपने जिस रेंज में मोबाइल खरीदना चाह रहा था उस रेंज में जब मैंने नेट पर सर्च किया तो इस मोबाइल के फीचर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। गाइस, जो जो फीचर्स मुझे एक सेलफोन में चाहिए थे वो सारे इसमें अवेलेबल थे, तो मैंने इस मोबाइल को तुरंत से अमेजोन से कर दिया ऑर्डर और अभी कुछ देर पहले मुझे ये रिसीव हुआ है। तो इस वीडियो में गाइस, मैं इस मोबाइल को आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, बस छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए गाइस और करते हैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले क्या है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है भाइयों, लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये रहा हमारे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का बॉक्स, देख सकते हैं आप लोग। आज तो भाई मैंने कुरियर रिसीव किया है और यहाँ पर मैंने इसको सैनिटाइज किया था तो सब एड्रेस वगैरह ब्लर हो चुका है, इसकी वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूरा सील पैक है। गाइज, अभी इसको करते हैं अनबॉक्स और फटाफट दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर किस टाइप का मोबाइल। तो ये रहा मेरा कलर और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हियर वी गो, सबसे पहले इसमें निकलता है बिल, इसको मैं रखता हूँ साइड में। After that guys, ये रहा हमारा Redmi Note 9 Pro का बॉक्स और ये पैकेट कुछ Amazon का है। इसको फिलहाल हटाता हूँ मैं यहाँ से। तो देख सकते हैं गाइज, मैंने इसको ब्लैक कलर में ऑर्डर किया है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मोबाइल के पीछे यहाँ पे थोड़ी सी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस नोट डाउन की गई हैं। फिलहाल इसकी बात करेंगे बाद में, अभी इसकी करते हैं सील ब्रेक और सील ब्रेक करने के बाद निकालते हैं अपने मोबाइल को जल्द से जल्द बाहर। दो सील मिलेंगी आपको, एक यहाँ पर और एक सेकेंड साइड में। ब्रेक करने के बाद गाइस, स्लोली स्लोली निकालते हैं हम इस मोबाइल को, अनबॉक्स और करते हैं इसको डब्बे से बाहर। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चीज़ मिलती है गाइस, वो है आपको कुछ पेपर वर्क। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है जिसकी हमें सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक ग्रे कलर का केस इस मोबाइल की सेफ्टी के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैक मॉडल के साथ आपको ग्रे कलर में ये केस मिलने वाला है, तो इसको भी रखते हैं यहाँ फिलहाल साइड में। उसके बाद हम सबका प्यारा सिम टू रिजेक्टर जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको भी रखते हैं यहाँ साइड में। आफ्टर दैट गाइस, इस बॉक्स को रखते हैं हम लोग साइड में और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड हुआ है। तो ये रहा हमारा सेल फोन, इसको नीचे रखते हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड में। उसके बाद हमारे बॉक्स में मिलता है हमें AC-DC अडैप्टर, 33 वॉट का ये हमारा मॉन्स्टर अडैप्टर है जो कि हमारे फ़ोन को लगभग एक घंटे में फुल चार्ज कर देगा। उसके साथ हमें जो डाटा केबल मिलती है वो आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डिनरी सी डाटा केबल है। आजकल सारे फ़ोन के साथ इसी टाइप की डाटा केबल हमें मिल रही है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ नीचे रखने के बाद बाकी के बॉक्स चेक करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल इस बॉक्स को पूरा का पूरा यहाँ से हटा देते हैं और सब सामान को एक तरफ रखने के बाद बढ़ते हैं हमारे सेल फोन की तरफ। तो ये रहा हमारा वो सेल फोन जिसके लिए आप इस वीडियो का बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इस मोबाइल को देख सकते हैं आप, ये रहा इसका बैक पैनल और बैक पैनल बहुत ही ज़्यादा शाइनी है प्लस क्लासी लुक दे रहा है गाइस। इसमें तीन वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। तो मुझे सबसे ज़्यादा कलर जो पसंद आया वो लगा इंटरस्टेलर ब्लैक जो कि इस टाइम मेरे हाथ में है। नीचे के साइड में भी मिलता है एयरफोन जैक, हमारा चार्जिंग स्लॉट और हमारे स्पीकर। राइट हैंड साइड की बात करें गाइस, तो यहाँ पर हमें मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन, यही बटन हमारे मोबाइल का सेंसर भी है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन ऑफ का काम करेगा और हल्के से अगर इसको टच कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेंसर। ऊपर की साइड में गाइस हमें मिलते हैं दो बटन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलती है हमें सिम टूल ट्रे जिसमें हम अपने दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर आराम से अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वेट की बात अगर की जाए गाइस, तो 209 ग्राम का ये सेट है। हो सकता है आपको हाथ में लेने के बाद थोड़ा सा वेट फील हो, लेकिन इसके लुक्स के आगे इसका वेट बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। इसकी जो कैमरा प्लेसमेंट है गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी। अब मैं फटाफट आपको इसका केस लगाकर दिखाता हूँ कि केस लगाने के बाद ये मोबाइल किस टाइप के लुक्स प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके मोबाइल का बैक कवर लगा लिया और इसकी शाइनिंग जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इस कलर की मुझे यही सबसे ज़्यादा खास बात लगी गाइस, कि ये बैक केस लगाने के बाद भी बिल्कुल शाइनिंग लुक हमें प्रोवाइड करता है। बैक केस में गाइस, कैमरे के चारों तरफ जो एजेस दिए गए ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इससे हमारे कैमरे पे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। अब मैं फटाफट करता हूँ इस मोबाइल को बूट और देखते हैं कि इस मोबाइल के इंटरनल फीचर्स क्या क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो गाइस सारा सेटअप करने के बाद मैंने मोबाइल को कर लिया है स्टार्ट। अब मैं करता हूँ इसको फटाफट ओपन। ये मैंने पावर ऑन का बटन दबाया और देख सकते हैं गाइस मैंने सेंसर इसमें सेट कर रखा है। मैं इसको जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं मोबाइल फटाफट ओपन हो गया। ये मैंने यहाँ से लॉक लगाया और लॉक लगाने के बाद मैं दोबारा टच करता हूँ और सेंसर बहुत ही बढ़िया तरह से वर्क कर रहा है। एमआई के सेट्स की मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है गाइस कि इसके सेंसर बहुत ही प्रॉपरली वर्क करते हैं। कैमरे की बात की जाए गाइस तो 64 मेगापिक्सल हमें बैक कैमरा मिलता है, यहीं पर 32 मेगापिक्सल हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों ही कैमरे बहुत ही औसम है। अपनी रिव्यू वीडियो में इन कैमरों का प्रॉपरली रिव्यू करके आपको इनकी फोटोज वगैरह शेयर करूंगा। इंटरनल मेमोरी की बात की जाए गाइस तो ये वेरियंट मैंने खरीदा है 6GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ। बाकी 5020mAh की इसकी बैटरी है जो आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। तो फाइनली गाइस लास्ट में मैं आपको इस मोबाइल के सारे इंटीग्रेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि इस मोबाइल के साथ हमें क्या क्या बॉक्स के अंदर सामान देखने के लिए मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें हमें इस मोबाइल के साथ नहीं मिलेंगी। तो ये रहा हमारा मोबाइल फ़ोन, ये हमारा बैक केस, ये रहे हमारे पेपर वर्क और हमारा बिल, ये रहा हमारा हैवी चार्जर जो कि 33 वाट का चार्जर है, और ये रही हमारी USB डेटा केबल, साथ में हमारा ये रहा सिम टूल एजेक्टर। तो ओवरऑल इतना सारा मटेरियल हमें इस बॉक्स में प्रोवाइड होता है गाइस। इसको मैंने अमेज़न से बाय किया था, ये मुझे 18,500 रुपये का पड़ा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस जैसे कि आपको मालूम है मैं कोई भी मोबाइल परचेज करता हूं तो मैं इसको 10 से 12 दिन तक यूज़ करने के बाद उसका प्रॉपर रिव्यू की एक वीडियो लेकर आता हूं। तो इस मोबाइल को भी अभी फिलहाल मैं 10-12 दिन तक अच्छे से यूज़ करने वाला हूं। उसके बाद मेरे चैनल पर आपको एक इसकी रिव्यू वीडियो मिलेगी जिस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस मोबाइल के क्या क्या माइनस पॉइंट हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, इस मोबाइल में क्या क्या कमियाँ हैं और इस मोबाइल में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो फिलहाल के लिए कम से कम 10 दिन का वेट कर लीजिए, 10 दिन बाद मैं प्रॉपर इस मोबाइल को यूज़ करके एक रिव्यू वीडियो लाने वाला हूँ, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो फाइनली गाइस ये रहा हमारा इंटरस्टेलर ब्लैक कलर का रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। वैसे तो ये मोबाइल देखने में ब्लू लग रहा है लेकिन पता नहीं कंपनी वालों ने इसका नाम ब्लैक क्यों रखा है। अगर आप इसका ब्लू वेरिएंट परचेज करेंगे गाइस तो वो आपको ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका व्हाइट कलर परचेज करेंगे तो वो प्योरली व्हाइट मिलेगा। तो गाइस तीनों कलर्स में से मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है और बिल्कुल क्लासी लुक दे रहा है। एजेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें कवर लगाकर आपको दिखाता हूँ कि कवर लगाने के बाद इस मोबाइल का क्या लुक आता है। तो ये देख सकते हैं इसके साथ जो कवर मिला है वो भी हमें ग्रे कलर का मिला है। बाकी की जो आप दो मोबाइल परचेज करेंगे ब्लू या व्हाइट कलर में तो आपको ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का केस मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, पीला वगैरह भी पड़ जाता है, लेकिन इस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स मोबाइल ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई जाए और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आपको वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे इसी तरह की फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। हिट वीडियोज़ होंगी ज़्यादा, ये है टेक्निकल है राम का वादा।